नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। बहुत लोग परेशान होते हैं जादू, टोना, टोटका, मंत्र, जंत्र, पता नहीं क्या क्या। हर कोई परेशान है कि हमारे पे टोटका कर दिया है, हमारे पे जादू मंत्र हो गया है। अगर दिन में 10 कॉल की बात करें ना, तो 5 कॉल जादू मंत्र टोने टोटकों पर ही आती है। भाई इतने परेशान हो आप, कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। पहले या तो अगर वहम है तो वो निकल जाएगा। अगर वाकई किसी ने कुछ किया है तो थोड़ी एनर्जीज उसकी कमज़ोर होने लगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ ये उपाय करने से आपके सारे समाधान हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो इंडिविजुअल कुंडलियों का भी खेल होता है कि हर किसी की कुंडली में एक संभावनाएँ होती हैं, यानी कितना उसकी रिमूवल होते हैं ये कुंडलियों के अंदर मालूम पड़ता है। बट जनरली अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इसका रिलीफ, इसका सहयोग आपको मिल सकता है। यानी वो एक टेंशन, एक घबराहट जो है ना कि हमारा तो काम रोक दिया सामने वाले ने, हमें तो जीने ही नहीं दे रहे, हमारे शत्रु पीछे लग गए, हमें टोटका करके चले गए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ, यानी आप इसी दिन उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और पूरा दिन तो आप अपने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। आपका डर, आपका वहम और आपके ऊपर अगर असर है तो वो कम करने के उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले आप काम किया करो क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो संकट मोचन है, संकटों का नाश करते हैं। जहां हनुमान है वहां तो टोटका चल ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की एनर्जी इतनी होती है कि टोटका करने वाला खुद ही ढेर हो जाएगा। अगर वो टोटका करने आएगा ना तो वो पहले ढेर होकर के बैठा होगा। तो आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हनुमान जी का आपने 40 अपने घर में जरूर लगाया करना है शाम के टाइम पे। हनुमान नाशक स्त्रोत आपने जरूर पढ़ना है और ये दो उपाय तो आपने जरूर करने हैं ताकि आपके अंदर जो एक घबराहट है, टेंशन है, पहले ये खत्म हो जाए। ये पहला कदम है जादू टोना टोटका रोकने का। देखिए जो घर के अंदर है उसका भी समाधान देंगे, अब घबराइएगा मत। अभी तो हमने शुरुआत की है। दरवाजा, दहलीज, आपके दहलीज की पार ना करें जो नया टोना टोटका कोई करने वाला है। और आपको एक चीज बता दें, टोना टोटका का जो असर है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। उसका असर उन्हीं पर ही उल्टा पड़ता है जो ऐसी चीजें करते हैं। कभी देखना आप, जो नेगेटिविटी करता है ना, जो दूसरों के बारे में बुरा करता है, उनके घर की अवस्था देखिएगा आप। ये कुछ पल के सुख या फिर लॉन्ग टर्म के सुख, बहुत सारी चीज़ों का फर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी ऐसी चीज़ें करते हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। उनका जिंदगी में जो जीवन होता है ना उनका सुखमय नहीं, क्योंकि दूसरों का बिगाड़ना, खुद के लिए तो गड्ढा खोदना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उनका भी बुरा होता है। बट आपने क्या ध्यान रखना है वो चीज़ें आपने जरूर करनी। हर शाम सूर्य अस्त के टाइम पर पूरे घर को आपने रोशन करना है और हर घर के कोने में आपने कपूर की धुनी करनी है। यानी कपूर ले लेना है और अगर आपको जड़ी बूटियों की धुनी मिलती है तो वो ले लीजिएगा। अभिमंत्रित धुनी लेनी है तो वो भी आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, वहाँ आपके घर तक अभिमंत्रित धुनी पहुँचा दी जाएगी। तो आपने धुनी जरूर करनी है अपने घर के अंदर। ये हमेशा याद रखिएगा, हर मंगलवार, हर शनिवार अपने घरों में आपने धुनी जरूर करनी है, अभिमंत्रित धुनी। अगर आपको धुनी चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हो, पूरी पूजा विधि से तैयार की हुई धुनी आपके घर तक पहुंच सकती है। लेकिन कपूर का आप वहीं से ले सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और तरीका आपको बता दिया जाएगा। तो धुनी का प्रयोग कभी भी आपके घर में जितने टोटके फोटके होते हैं इनका सबके असर को ख़त्म करता है। और धुनी के साथ भी कुछ और चीज़ भी आपको भेजी जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपने सिर्फ छोटे छोटे उपाय करने हैं। आप यकीन मानिए कम से कम 50-60% आपको उस चीज़ से रिलीफ मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है 50-60% किसी चीज़ का समाधान होना, तो वो टोटके का असर इस धुनी से ख़त्म हो जाता है। अब आपने एक चीज़ और करनी है कि हर शाम को अपने घर में घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आपने बैक टू बैक करते रहना। देखिए इन उपायों को आपने छोड़ना नहीं है।
कि ऐसा नहीं कि धुनी पहुंच गई आप क्या करें तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, नहीं, क्योंकि हमें अगर नेगेटिविटी का मुंह तोड़ जवाब देना है, उसे ही ढेर करना है, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे अच्छे रिचुअल्स, अच्छी अच्छी चीज़ें रेगुलर वे में करनी पड़ेंगी। तो आपने अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना है, हर दिन करना है ये प्रज्वलित दीपक, शाम को सूर्य अस्त के बाद। लेकिन सूर्य अस्त के बाद ऐसा नहीं कि 9-10 बजे आप करें, जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसी के आसपास ही आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है, घर को रोशन करना है। अगला उपाय, आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दोपहर को 12 बजे मंगलवार का दिन है स्वास्तिक बनाना है, सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है, और सिंदूर से स्वास्तिक बना के थोड़े से फूल, लाल फूल ले लीजिए, उड़हल के फूल ले लीजिए, वो थोड़े से फूल डाल देने हैं। हर मंगलवार आपने इस क्रिया को दोहराना है और इसे लगातार आपने करते रहना है। अब यकीन मानिए, जो जितना भी नेगेटिविटी कुछ भी किया होगा, ये वार उसी के ऊपर उल्टा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने फालतू के पैसे नहीं वेस्ट करने हैं कहीं भी, आपने ये सारी विधियां खुद करनी है ताकि आपको लाभ हो। अब चलते हैं आगे, कुछ और उपाय भी हैं जिसे आपने करना है। ये देखिए रेगुलर के उपाय हैं, इसे अपना छोड़ना नहीं है। पीली सरसों ले लेनी है, वो भी हम अभिमंत्रित करके आपको भेजेंगे। वो सरसों के अंदर आप थोड़ी सी और सरसों मिला लीजिएगा। हर शनिवार को थोड़ी सी सरसों आपने अपनी दहलीज पे डाल देनी है। ये विधि आपने हर शाम को शनिवार को करनी है, सिर्फ हर शनिवार शाम को। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन ही आपने ये विधि करनी है, इसके अलावा आपको विधि नहीं करनी। हाँ, एक्सेप्शनल है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा करने की, तो वो एक तरीका बताया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शनिवार सफिशेंट होता है। सिर्फ शनिवार भी अगर आप इस उपाय को करेंगे तो भी आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। एक और उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को भी आप कीजिएगा। बुरी नज़र लग गई है, परेशान हो रहे हैं, एक काले रंग का धागा लीजिएगा, थोड़ी सी पीली सरसों लीजिएगा, काले कपड़े में पीली सरसों डाल करके धागे के साथ उसे बांध करके मुख्य दरवाजे पर शनिवार के दिन टांग दीजिएगा। इस उपाय को भी आपने ज़रूर करना है। कुछ नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। मैं हर वीडियो में इसीलिए बताती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ ठीक है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी हमारी बाई हुक बाई क्रुक हमारे बिहेवियर को चेंज करने लगती हैं, तो वहाँ हम खुद भी रेस्टलेस होते हैं। लेकिन कोशिश, प्रयास यही करना है कि आपने पॉजिटिव रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने हित की, अपने बचाव की बात करनी है। तो देखा आपने, ये वीडियो आपने कितने लोगों तक पहुंचानी है, उन सारे लोगों तक पहुंचानी है जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं। अगर आपके लिए समस्या का हल निकला तो आप दूसरों के समस्या का भी हल निकालिए, क्योंकि बहुत लोग इस समस्या से परेशान हैं और हम चाहते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आपको इसका लाभ मिल जाए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आपने ज़रूर करने हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं, यकीन मानिए कोई टोटका फोटका आप पे और कोई असर नहीं करेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक आप ये सारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सारी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, इनफैक्ट उस पर कमेंट्स भी डालिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।